फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सरिता की रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं मेरे बच्चों की फेवरेट डिश मैगी चीज बॉल्स। आई होप आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। जिसके लिए हमें सबसे पहले मैगी बनाकर रेडी कर लेना है। मैगी में डालने के लिए हमने सब्जियां पहले से ही कट कर ली थी, जिसमें मैंने ऑनियंस लिया है, टमेटो, कैप्सिकम, हरी मटर, गाजर और हरी मिर्ची। अभी हम सबसे पहले बनाएंगे मैगी। हमने इसे इसमें तेल डाल दिया है। अभी हम इसमें डालेंगे जीरा। जीरा हमारा गोल्डन हो चुका है। अभी हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च। इसमें डालेंगे ऑनियन। जब ऑनियन ब्राउन हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे टमेटो। इसमें जाएगा टमेटो, कैप्सिकम और गाजर। इन सब्जियों में हम हरे मटर को भी डाल देंगे ताकि हमारी मटर अच्छे से पक जाए। हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक ताकि हमारी मटर अच्छे से पक जाए। हमारी सब्जी अच्छे से पक चुकी है। हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले, हल्दी पाउडर, मैगी मसाला, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैगी को हमने पहले से ही तोड़ कर एक प्लेट में रख लिया था। इसे मिक्स करेंगे। मैगी के पैकेट में जो मसाले होते हैं वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। अच्छे से करेंगे इसे मिक्स। इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे आधा कप पानी। मैगी को हमें सूखा ही बनाना है, इसमें ज्यादा पानी हमें नहीं ऐड करना है। अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरे धनिया की पत्ती, जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अभी हम अच्छे से इसे पका लेंगे। 2 मिनट हमने इसे पका लिया है। अब चेक करते हैं हमारी मैगी रेडी हो चुकी है। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसे हम 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि हमारी मैगी ठंडी हो जाए। उसके बाद हम लोग मैगी चीज बॉल्स बनाएंगे। जब तक हमारी मैगी ठंडी हो रही है तब तक हम एक घोल बना के रेडी कर लेंगे। उसमें हम डालेंगे चावल का आटा आधा कप, मैदा आधा कप। इसमें हम पानी डालकर इसका एक पतला सा घोल बना के रेडी करेंगे। इतना ही पतला हमें इसका घोल बना के रेडी करना है। मैगी हमारी ठंडी हो चुकी है और हमने चीज के थोड़े क्यूब्स लिए हैं। ये देखिए, मैगी को हम ऐसे उठाएंगे और इसको बीच में ऐसे थोड़ा सा जगह छोड़ेंगे और इसमें हम डाल देंगे चीज को और इसे हम ऐसे पैक कर देंगे और इसका एक राउंड में एक बॉल्स बना लेंगे। आप जितना प्रेस करेंगे उतना ही अच्छा आपका बॉल्स बनेगा। ये देखिए, हमारा बॉल्स बन चुका है।
सारे बॉल्स हमने बना लिए हैं। अभी हम इसे सेट होने के लिए 10 मिनट फ्रिज में रखेंगे ताकि हमारी चीज़ मेल्ट होकर, जब कढ़ाई में हम तलें, चीज़ हमारे मेल्ट होकर बाहर ना आए। इसके लिए हम इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में डालेंगे। मैगी बॉल्स हमारा सेट हो चुका है। अभी हम इसे मैदे के घोल में हम इसे डालेंगे और ब्रेड क्रम्स में इसमें ऐसा लगा लेंगे। अभी इसे हम गरम तेल में डिप करेंगे। ऐसा ही बनाकर हम इसे पूरे बॉल्स ऐसे रेडी कर लेंगे। पहले हमारे सारे बॉल्स बनकर रेडी हो चुके हैं। अभी हम फिर से इसे 5 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि हमारे बॉल्स एकदम टाइट हो जाएं। बॉल्स हमारे अच्छे से सेट हो चुके हैं। अभी हम इसे तेल में तलेंगे। फ्लेम में हमने हाई ही रखा है ताकि तेल हमारा अच्छा गर्म हो जाए। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अभी हम इसमें डालेंगे अपने बॉल्स को। बॉल्स को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अभी हम एक अच्छा सा प्लेटिंग लगा लेंगे। प्लेट को हमें हमने टमेटो केचप से अच्छे से डेकोरेट कर लिया है, ये देखिए, ताकि हमारे बच्चों को और ज़्यादा पसंद आए ये डिश। चीज बॉल्स हमारे बनकर रेडी है। बहुत ही यम्मी और टेस्टी देखने में भी लग रहा है, ये देखिए, अंदर से भी बहुत ही चीजी है। आप भी अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।